Hey guys, welcome to a new vlog. And today we are going to collect my blue card. Mm-hmm. And we are happy today because हम लोगों को बहुत दिन वेट करना पड़ा इसके लिए. एंड काजल का भी अंडर प्रोसेस में है एंड मेरा ब्लू कार्ड मुझे आज मिल जाएगा. सो वी आर हैप्पी फॉर दैट. यस. एंड अभी हम लोग बस जा रहे हैं अभी. सो यहाँ के फॉरनर्स ऑफिस में आना पड़ता है फॉर दिस प्रोसेस. एंड सो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं. एंड जस्ट टू लेट यू नो वी आर इन क्रैकोव. यस. सो सबका टाइमलाइंस अलग है. अलग होते हैं. एंड हम लोग बताते हैं, पहले पहुँचते हैं, कार्ड कलेक्ट करते हैं अभिजीत का. एंड देन बताते हैं कि मेरा क्यों बाद में आ रहा है. यस. सो यस, सी यू. सुपर कोल्ड टुडे एंड बहुत काफ़ी बारिश भी हो रही है. सो यस, अभिजीत तो अंदर गए, मेरा यहाँ पे काप काप हालत हो गया है. बट यस, समथिंग फॉर गुड. लेट्स वेट. सो इज योर, सो डिड यू गेट योर कार्ड अभिजीत? यस. हैप्पी? वेरी मच. एंड वी आर इन दिस कैफे, सो लेट्स सिट. लकीली टाइम पे पहुंच गए हम लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. एंड प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ था. विद इन 5 मिनट्स आई गॉट माई कार्ड. सो फाइनली आई गॉट माई कार्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी टूडे. अभी हम लोग बस निकल रहे हैं. सो अभी बेसिकली टुडे इज 20th ऑफ फेब एंड इट्स ट्यूजडे. सो इट्स वर्किंग. सो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं एंड हमने कलेक्ट किया है. इट्स 12 राइट नाउ एंड अभी घर जाते हैं. इवनिंग में निकलेंगे थोड़ा एंजॉय करने टू सेलिब्रेट. यस. बिकॉज वी वांट टू सेलिब्रेट इट, बिकॉज सबसे पहले तो हम दोनों को ना छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट. सो यू नो छोटी, और ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा सेलिब्रेशन, कि बड़ा कुछ पार्टी वार्टी, हम बस एक डिनर करने चले जाते हैं एंड दैट्स आवर सेलिब्रेशन. सो हम वहाँ जाएंगे. वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द डिसीजन एंड दी कार्ड टू कम फॉर अभिजीत. सो अभिजीत, यू वॉन्ट टू टेल देम? जनरली क्रैकोव में इतना टाइम नहीं लगता है जितना, जहाँ तक हम लोगों ने सुना है इट टेक्स अराउंड 4 to 5 months एंड टू एंड. बट इन माई केस आई एम नॉट श्योर वॉट हैपेंड कि इट टुक, आई अप्लाइड इन जुलाई एंड इट्स फेब नाउ एंड आई एम कलेक्टिंग. मेनली मतलब ऐसे इतना टाइम नहीं लगता है. सो अगर आप क्रैकोव के बाहर से हो, वॉर्सो से हो या दूसरे सिटी से हो, तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है. आई मीन मोर देन अ ईयर भी है. लेकिन क्रैकोव इज़ फेमस कि उसका 6 months में सब कुछ हो जाता है. एंड वी हैड सो मैनी फ्रेंड्स जिनका आ रहा था एंड वी यू नो जब हमारा बात हो रहा था तो वी वर नोइंग कि मतलब वी वर टोल्ड दैट एवरीथिंग इज़ ओके, बट स्टिल वी वर नॉट गेटिंग द डिसीजन. सो हम थोड़ा सा वरीड थे, बट फाइनली वी गॉट द कार्ड. आई मीन अभिजीत गॉट इज कार्ड. फॉर मी आई हैव अप्लाइड इन डिसम्बर, सो इट्स टू सून फॉर द कार्ड टू कम. एंड वी विल टेल यू मोर अबाउट वाई शी अप्लाइड, मतलब मेरे बाद अलग से, बिकॉज वी कुड हैव अप्लाइड टुगेदर. सो बेसिकली हमने जो अप्लाई किया था, अभिजीत का ब्लू कार्ड अप्लाई किया था एंड उनका सारा प्रोसेस जो था वो ऑफिस से ही हुआ था. एंड ही अप्लाइड इन जुलाई एंड ही रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ फेब. फॉर काजल इट वॉज डिफरेंट एंड वो मेरे साथ अप्लाई नहीं की रेसिडेंस कार्ड, बिकॉज अगर शी वुड हैव अप्लाइड विद मी तो उनको मेरे डिपेंडेंट पे TRC मिलता. सिंस शी गॉट अ जॉब तो उसने ब्लू कार्ड अप्लाई किया वेट करके एंड इट इज़ अंडर प्रोसेस. यस. सो मैंने अभी जस्ट अभी डिसम्बर में ही अप्लाई किया है. करेक्ट. एंड अभी तो टाइम लगेगा खैर, बट यस जब आएगा तब हम लोग अलग से वीडियो बना के आपको पूरा बताएंगे कि मेरा केस कैसा था एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. yes. हमारा अभिजीत के केस में एक्सपीरियंस ऐसा था कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया. तो एंड हमने थोड़े बहुत केसेस सुने हैं जिनका सेम हो रहा है. सो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लेके चलना, एकदम एंड मोमेंट पे मत करिएगा. हमारा वीज़ा ऑलरेडी मतलब एक्सपायर हो चुका था. सो बेसिकली वी आर लैंडलॉक्ड. यस, बट अभिजीत इज नाउ फ्री. यस. एंड फॉर मी आई एम लॉक्ड. एंड मेरे केस में थोड़ा सा अलग भी था. कभी हम लोग जब मेरा आएगा तब मैं बताऊँगी. यस. अगर एंड अगर आपको ब्लू कार्ड का प्रोसेस जानना है तो कमेंट डाउन एंड वी विल मेक अ फुल वीडियो, डिटेल्ड वीडियो,
कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस, मतलब एवरीथिंग इन डिटेल एंड होपफुली उस कमेंट सेक्शन में थोड़ा हेल्प भी कर पाएंगे। यस, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हो, वी विल बी एबल टू गाइड यू, आंसर एंड गाइड यू, एंड इफ नॉट मे बी रीडायरेक्ट यू टू अ प्रॉपर सोर्स। एंड यस, आई मीन डिफरेंट सिटीज का डिफरेंट टाइम फ्रेम है, सो कोई सिटीज़ के लिए लगेगा कि मतलब अगर आप वॉर्सो में हो या दूसरी सिटी में तो आपको लगेगा बहुत जल्दी आ गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रैकोव थोड़ा टाइम लगा है, बट इट्स ओके, अभी कार्ड तो आ गया है, लेट्स होप कि मेरा भी जल्दी आ जाए, काजल का भी डिसीजन जल्दी आ जाए, सो दैट वी कैन रिज्यूम आवर ट्रैवल। ऑल्सो हमारे ट्रैवल वीडियोस नहीं रुकेंगे, डोंट वरी, हमने बहुत चीज़ें प्लान की हुई है इन पोलैंड इटसेल्फ, जो हमारे अपकमिंग ट्रिप्स है, तो हम उसका वीडियो लाएंगे एंड आपको दिखाएंगे पोलैंड कितना ब्यूटीफुल है। एंड ये हमारे ऑलरेडी प्लान में था फॉर दिस ईयर टू स्पेंड इन पोलैंड एंड एक्सप्लोर पोलैंड एंड लेट अस, आई मीन वी विल शो यू द ब्यूटी ऑफ पोलैंड, बिकॉज ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न यूरोप पे ज़्यादा लोग मतलब अभी इट इज़ ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, बट पहले उतना नहीं था, सो वी विल शो यू हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ एंड वी आर लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी ऑफ पोलैंड विच इज़ क्रैकोव, एंड आई नो पीपल विल कम इन डाउन, व्रॉक्लॉ इज़ बेटर, गडान्स इज़ बेटर, बट वी लव क्रैकोव एंड वी विल शेयर आर एक्सपीरियंसिस विद यू जब हम लोग दूसरी सिटीज जाते हैं, एंड हम आपको वहाँ पर भी घुमाएंगे। एंड येस, सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम पोलैंड कैसे घूम सकते हैं अगर हम लॉक्ड है, तो सो जस्ट टू लेट यू नो, इफ़ यू व्हेन यू अप्लाई फॉर अ ब्लू कार्ड, आपके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प लगता है, दैट्स रेड स्टैम्प बोलते हैं उसको, जिसका मतलब ये होता है कि आप पोलैंड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन पोलैंड के बाहर बॉर्डर्स नहीं क्रॉस कर सकते, सो दैट्स हाउ वी कैन ट्रैवल इन पोलैंड। जस्ट गाइड और आंसरिंग टू द क्वेश्चन जिनको नहीं पता है, एंड येस, सो अभी हम वेट करेंगे एंड अभी हम लोग घर जाते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा ऑफिस का भी टाइम चालू है, एंड देखते हैं अगर इवनिंग में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इवनिंग में हम लोग डिनर जा रहे हैं, अभी डिनर करने जाएंगे, यस, एंड वी विल सेलिब्रेट, बिकॉज हम लोग बहुत टेंशन में थे, सो इट्स अ गुड थिंग कि अभिजीत का आ गया है, सो नाउ वी विल मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा, सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग थोड़ा रिलीफ हो गए हैं, बिकॉज एटलीस्ट एक जन अनब्लॉक हो गया है एंड कैन ट्रैवल, सो मतलब बोलते हैं ना दोनों ही लैंडलॉक हो जाते हैं थोड़ा सा, हाँ दोनों ही लैंडलॉक हो जाते हैं थोड़ा टेंशन रहता है, सो एंड ऑल्सो देखो आई नो कि लोग बोलेंगे कि पहले अप्लाई करना चाहिए था, लास्ट तक वेट क्यों किया, बट ऐसा नहीं होता है, हमारा जो था वो फ्रेश एप्लीकेशन था, एंड फ्रेश एप्लीकेशन में कैसे होता है ना, आपको जब आप रिक्वेस्ट करते हो डेट के लिए, तो डेट जो आता है वो ऑफिस से आता है, बेसिकली अपॉइंटमेंट्स ही लेना मुश्किल है, and it is not that in our hands ki hum aaj chahe to aaj apply kar de, and we have to prepare documents as well before applying, so and yeah. after that wo date lena, translations hote hain, bahut sari cheeze hoti hai, once you get an appointment so you can make your documents ready. but wo documents milna hi thoda sa sorry but wo appointment milna hi thoda tricky part hai, but yes agar aap renew kar rahe ho to aap thoda sa hand mein time rakh ke and fir then apply karo, बट इन केस ऑफ न्यू एप्लीकेशन यू हैव टू वेट टिल यू गेट एन अपॉइंटमेंट, एंड वो कभी भी हो सकता है, देखो वो लास्ट डे हो सकता है वीज़ा के, सो हमारे केस में तो वो मतलब हम अभिजीत केम इन फेब लास्ट ईयर बट गॉट एन अपॉइंटमेंट इन जुलाई, सो जस्ट इमेजिन कितना टाइम लगा टू जस्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट, एंड जस्ट टू लेट यू नो कि लास्ट ईयर दिस डे आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, एंड सो दिस बेसिकली मार्क्स वन ईयर, and all together एक साल बाद ही अभी हमें हमारे पास कार्ड है, and that is also one of the reason why we are going for a celebration, small celebration today, because it will be a year for Abhijit from moving to India to Poland. and we are here, अभी हम लोग ने काम वाम करके ऑफिस का, and अभी बाजू के मॉल में आ गए, and to celebrate अभिजीत ब्लू कार्ड, हम लोग वी आर हैविंग शेक एंड शेरनिक, एंड हम आ गए हमारे फेवरेट जगह, चॉकलेट शेक, सो एकदम गूफअप हो गया था, मैंने चॉकलेट शेक मांगा एंड हॉट चॉकलेट आ गया था, बट आई रिक्वेस्टेड देम टू चेंज एंड दे वर स्वीट इनफ टू चेंज इट, एंड आई हैव माय शेक, कार्ड किसका, सेलिब्रेशन किसका, सो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आइए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है हल्दी करके, यस वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया,
एंड वहाँ पे ना एक समोसा चाट बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग ने सोचा चलो बहुत टाइम हो गया तो समोसा चाट जाके खाते हैं। एंड यस बहुत ठंडी है। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हल्दी ये यहाँ पे, एंड दिस इज ऑपोजिट टू द लूबिश पार्क, एंड बस पहुँच गए, जाते हैं अंदर। सब पहुँच गए अभी हम लोग रेस्टोरेंट में, एंड ऐसा कुछ इंटीरियर्स हैं जो कि एकदम इंडियन वाइब को मैच करता है, एंड यहाँ पे गणपति जी भी हैं। सो लेट्स ऑर्डर समथिंग। सो हमारा अभी समोसा चाट आ गया है। आई हैव ऑर्डर कढ़ाई पनीर जो अपने खुद स्टोव के साथ आया है। सब गार्लिक नान। हम लोग खाना खा के हो गया है, वी सेलिब्रेटेड, वी टॉक्ड अ लॉट काफ़ी टाइम बाद, एंड बिकॉज बहुत टेंशन में था, सो है ना, वी हैड अ रियली गुड टाइम। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से ऑन ब्लू कार्ड, सो डू मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड हम उसे बनाएंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब। यस।